सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा की राजनीति भी गर्मा रही है। सभी प्रत्याशी चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी क्रम में सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कविता जैन के पति राजीव जैन ने शहर के आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में डोर टू डोर अभियान चलाया और भाजपा की उपलब्धियों और कल्याणकारी नीतियों की जानकारी दी। लोगों ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया। राजीव जैन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकास की झड़ी लगा रखी है। देश प्रदेश को नई दिशा और दशा प्रदान की है। हर क्षेत्र और हर वर्ग का कल्याण किया है। विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। भाजपा सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने किसानों की पेंशन लागू की है। जैन ने कहा, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कोई भी जमीर वाला व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता। इस बार हमने 75 पार का नारा दिया है, वो भी पार होगा। सोनीपत से शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट। जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद देकर पहले से ज़्यादा सीटें देकर जो है सरकार बनाई, इसी तरह हरियाणा में पिछली बार हमारी 47 विधानसभा में जो है उम्मीदवार जीते थे, और मैं समझता हूँ कि ये 47 का आंकड़ा जो है ना, ये जो है पलट जाएगा। 47 जो है उसके बजाय 74 से आगे जो है 75 पार का नारा हमने दिया है, वो भी पार होगा। आज पूरे देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रति आस्था लोगों की बढ़ रही है, और वो आस्था इसलिए बढ़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के काम कर रही है, जनता की सेवा कर रही है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, देश के लिए नई नई योजनाएं लाने का काम कर रही है। इसलिए जो है कोई परेशानी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पार करेगी। अशोक तंवर ने कल कांग्रेस छोड़ दी है, तो उससे कितना? कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में जो सही आत्मा वाला नेता है, जिसकी आत्मा शुद्ध रूप से जो है देश के काम करने के लिए, वो व्यक्ति जो है कांग्रेस में रह नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस में केवल और केवल जो है सत्ता की राजनीति होती है, पैसों की राजनीति होती है, भ्रष्टाचार की राजनीति होती है, इसलिए कोई जमीर वाला व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता है। सोनीपत में क्या लगता है आपको, सोनीपत कितने मतों से आपकी जीत? तो जीत तो आपने मान ही ली है, बाकी जनता के ऊपर है।